हेलो बच्चों बेटा, रिसेंटली हमने जो रिफ्लेक्शन के बारे में उसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ा था। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। व्हाट आर द इमेजेस? हालांकि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि व्हाट इफ ए रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। ये कोई भी रे ऑफ लाइट है वो कैसे इंसिडेंट है सरफेस के ऊपर? वो नॉर्मली इंसिडेंट है। नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली। तो देखिए क्या होगा। अब यहां देखिए, देर इज ए सरफेस, यहां एक रे है जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। ये रे ऑफ लाइट थी। अब आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप है कि हम एक नॉर्मल को ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कौन से पॉइंट के ऊपर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और वो परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे वो देखिए, मैं दो परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर सकता हूं, लेकिन आपको ये चेक करना है आपको कौन सा परपेंडिकुलर लेना है। अब देखिए, मार्कर जो आपको दिख रहा है ये भी तो इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो नॉर्मल था इसका प्लेन और इंसिडेंट रे का प्लेन डिफरेंट है। अब यदि मैं एक परपेंडिकुलर इसी के ऊपर ले लेता हूं, देखिए एक बार इसके ऊपर, मैंने आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जो परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होगी इस पेन के ऊपर भी, ये मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि रे ऑफ लाइट भी नॉर्मली थी तो इसे इसी के साथ साथ आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक ही लाइन के अलोंग है। एंगल उन दोनों के बीच में नहीं बनता है, और एंगल नहीं बनता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? जीरो। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर। एंगल आर भी कितना होगा? जीरो। मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जीरो डिग्री का। ऐसा कब है? जब रिफ्लेक्टेड रे कैसे चली जाए? इसी के साथ साथ चली जाए। तो अब देखिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में देखो इधर नहीं आ सकती है, रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट नहीं जाएगी। तो यहां क्या करा, जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है किसी रिफ्लेक्टर पे, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। क्या करती है? रिट्रेस, दोबारा उसी पाथ के, जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। ओके, इन द अब बात करते हैं इमेजेस की। तो देखिए, इमेज सबको पता है प्रतिबिंब। आप लोग प्लेन मिरर के अंदर देखते हो, किसी बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सरफेस के ऊपर देखते हो, तो आपको आप उसके अंदर आपकी एक परछाई दिखाई देगी, आप इमेज दिखाई देती है। खुद जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने, मिरर के सामने रखा, वो उसमें दिखाई देता है, दैट इज इमेज है। लेकिन हम डेफिनेशन कैसे देंगे इमेज की? इमेज क्या होता है? इमेज इज ए पॉइंट, इमेज एक पॉइंट है जो बनता कैसे है? कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? वो बनता है रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से, ठीक है। और जरूरी भी रही नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज हर केस में कन्वर्ज करती हो, मतलब एक दूसरे के क्लोज जाने की कोशिश करती हो। कई बार रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे से दूर जाती है, डाइवर्ज करती भी। मान ले देखो, इंटरसेक्ट तो कैसे करेंगी? ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, कर गई इंटरसेक्ट, इमेज बन गई यहां पर। यदि ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ रही थी तो ये इंटरसेक्ट कर गई। हो सकता है रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज ऐसे जाए तो क्या फिर इमेज नहीं बनेगी या फिर बनेगी? देखिए, जिसकी आईज के अंदर ये जाती हैं उसे एक इल्यूजन होता है कि ये रेज कहां से आती हैं, ये एक कॉमन पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ये मैं कह रहा हूं कि अपियर्स टू कम आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। तो इस केस में यहां क्या बनेगी? इमेज। इस केस में क्या बनेगी? यहां पर बनेगी इमेज। तो इमेज बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टेड, ध्यान दें इंसिडेंट की बात नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज या रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू कम, उस पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करें
या फिर वो पॉइंट जहां से आती हुई दिखाई दे, वो पॉइंट कहलाता है इमेज। अब इमेज क्या है? इमेज आपकी एक इमेज रियल भी होती है और ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल बनेगी, इमेजनरी बनेगी। यहां सिर्फ कल्पना की गई थी कि ये यहां से आ रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहां वास्तव में दो रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज है, नंबर एक ये ध्यान रख लेना, एक तो आपको डिफरेंस पता चली गया कि रियल कब बनेगी, वर्चुअल कब बनेगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि रियल इमेज आपको हमेशा इन एवरी केस इन्वर्टेड मिलेगी, यहां पर वर्चुअल इमेज आपको हमेशा इरेक्ट, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, उल्टी मिलेगी इमेज। और ये इमेज कैसी होगी? सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, ये सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा उस तरफ बनेगी जिस तरफ वस्तु को रखा गया है, जिस तरफ वस्तु है, लेकिन ये बनेगी ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनेगी, ठीक है ना। ये हमेशा बनेगी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किससे बनती है? इंटरसेक्ट होती है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट होती है। तब ये कब बनती है? जब वो वहां किसी बिंदु से आती हुई दिखाई देती है तब, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये डिफरेंस आपको रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में पता चल गया। इमेज क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन करके देखते हैं, प्लेन मिरर के कारण है, और आज हम सिर्फ प्लेन मिरर का करेंगे क्योंकि हम, मैं नहीं चाहता कि दूसरा टॉपिक बीच में हम छेड़ दें। कौन सा? स्फेरिकल मिरर्स का। तो एक आज का हम बिल्कुल छोटा टॉपिक करेंगे जिसमें सिर्फ आपको इमेज फॉर्मेशन बाई ए प्लेन मिरर ही बताया गया है। इमेज क्या होती है और प्लेन मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन। तो कंसीडर किया ये एक प्लेन मिरर है मान लो, ठीक है। यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इस वजह से बता रहा हूं कि आपको थोड़ा दिखे क्योंकि एक पॉइंट निकल के आएगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज निकलेंगी, ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रेज इंसिडेंट होंगी किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। यहां से एक रे गई, ये देखिए, अब इसका क्या हुआ? मिरर पे गिरी, मिरर ने क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया तो सेम मीडियम में वापस आ गई, ठीक है। एक रे गई यहां से, मैंने ये कंसिडर कर ली, ये रे कितने डिग्री पे गिरी? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री वाली क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। जब इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, रिट्रेस मतलब वापस आ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ये आ गई। अब देखो जी ये दोनों रेज तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। दोनों की डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ये तो कहीं भी आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन हाँ जिसकी आईज के अंदर जाएंगी उसे लगेगा कि ये रेज कुछ इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो पॉइंट था इस ऑब्जेक्ट का, ये कहां दिखाई देगा? यहां पर। इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रेज निकलेंगी और हर पॉइंट की इमेज बनती जाएगी, हर पॉइंट जितने भी पॉइंट्स के ऊपर है सबकी इमेज बनेगी और आपको ये लेटर जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अब प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बनी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? तो प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर एक, रेज सच में नहीं काटती है, ध्यान दें, रेज सच में नहीं काटती है। नहीं काटती है तो क्या होता है? एक इल्यूजन क्रिएट होता है। तो कैसी इमेज है? इमेजनरी है, इमेजनरी या फिर वर्चुअल बोल दें आप इसको, वर्चुअल इमेज है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भी वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होती है, और आप लोग प्रैक्टिकली भी देखते हो, लगता है मुझे देखते हो प्लेन मिरर को,
तो उसमें प्रैक्टिकली भी आप लोग देखते हो कि इमेज कैसी बनती है इरेक्ट। देखना जब आप लोग ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे मिरर की, तो आप नोट करोगे इमेज भी क्या जाती है, दूर जाती है। इमेज भी इससे क्या जाती है, दूर जाती है। ठीक है, इरेक्ट के साथ साथ तीसरा क्या है, मतलब जितना डिस्टेंस है मिरर का ऑब्जेक्ट से उतनी दूर क्या है, इमेज सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ऑपोजिट साइड होती है। और चौथा पॉइंट है सेम साइज, साइज भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट होता है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जी इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है ना, लेकिन मैंने कहा लिटरली इन्वर्टेड। साइड बाय साइड क्या होता है, वो इन्वर्टेड इमेज होती है। साइड बाय साइड कैसे, देखो ये इसकी, ये जो पॉइंट था ये ऑब्जेक्ट में क्या था, लेफ्ट पॉइंट था, और इमेज में ये क्या है, राइट की तरफ आ गया। तो जो लेफ्ट साइड थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, राइट में, और राइट साइड थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेफ्ट में। दैट्स व्हाई एम्बुलेंस, एम्बुलेंस नहीं लिखा होता है, लिटरली इन्वर्ट करके एम्बुलेंस को गाड़ियों पे लिखा जाता है, ताकि जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स का उसमें दिखे तो वो क्या दिखे, सीधा दिखाई दे। ठीक है, अब प्रश्न ये भी उठता है, अभी मेरे दिमाग में था लेकिन वो स्लिप हो गया, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, कि मैंने यदि मैं ऑब्जेक्ट को वी स्पीड से, वी वेलोसिटी से मैं ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं मिरर की तरफ, देन व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज डब्ल्यू आर टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अब की बार जरूर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।